मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 24/2/21 को और 23/2/22 को राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के नाम पर एक नया विधेयक लाने की घोषणा की थी। और ये विधेयक उसी दृष्टि से लाया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति की योजना जिसको ये जो प्रस्तुत किया गया है अभी 2022 में, वो ये उसी किया। संविधान के अनुच्छेद 46 के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा भी प्रदान करेगा ये। अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में राज्य के बजट के में प्रावधान सुनिश्चित करने का उद्देश्य से ये विधेयक काम करेगा। इस विधेयक के माध्यम से आबादी वाले क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास और विशेष ध्यान केंद्रित कर इन समुदायों का स्वायत्त विकास किया जाएगा तथा उनके अभावों को पूर्ण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर जो माननीय सदस्यों ने उठाया है, मैं पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके विचार सुनने को मिले और सुझाव भी सुनने को मिले। मैं सुझावों का तो स्वागत करता हूँ। बाकी तो जिस प्रकार से आदेश शासन से वो आपकी तरफ से भी आदेश आएंगे, सब इसी पे बिल पर, बिल के अलावा किसी का जवाब देंगे अलावा, लेकिन बिल के अलावा कई बातें मैं उन पर नहीं जाना चाहता। मैं उनके कोई उनका जवाब भी नहीं देना चाहता। मोटी बात यह थी कि सबसे पहले बोले लाहौटी साहब गायब है। वो कभी 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 सुनते नहीं है साहब, वो बोलने के बाद चले जाते हैं। मत आगे बोलो आप। हाँ, उन्होंने कहा कि साहब प्रतिवर्ष आदेश जारी करें। मत वही नहीं सुन रहे तो वो सुन नहीं रहे, जवाब मत, आगे बोलो आप। अब मैं बढ़ रहा हूँ। शायद लॉबी में बैठे हों तो मेरी आवाज़ सुन करके आ जाए। सबसे पहले तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि साहब प्रतिवर्ष आदेश जारी करने की आवश्यकता क्या है, क्यों प्रतिवर्ष आप जो है वो आदेश जारी करना चाहते हैं, मतलब मोटे बहुत। हाँ, आगे आपने बताया था कि प्रतिवर्ष आदेश जारी करने की आवश्यकता क्या है। आपका जो भाषण था उसका टोटल जो मैं समझ पाया, उसकी जो बिटवीन द लाइन्स मैं जो समझ पाया वो तो यही बात थी, पृथक से आदेश प्रतिवर्ष जारी करने का उद्देश्य यह है कि हर वर्ष स्कीम तैयार हो कि इस वर्ष के लिए क्या स्कीम होनी चाहिए, जैसा कि धारा 4 में उल्लेख है, और उसका अनुमोदन करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करना किया जाए। पिछले साल रखा गया पैसा, उसके लिए क्या स्कीम बनाई गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, नेक्स्ट ईयर जो पैसा रखा जाएगा उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, उसमें क्या सुधार किया जाएगा। इसलिए हर वर्ष रखने के लिए ये धारा 4 में जो उल्लेख किया गया है ना, वो इसीलिए उचित है। आप बाद में राठौड़ साहब की बात का जवाब देता हूँ। राठौड़ साहब ने लंबी चौड़ी बात कही, तो आज जैसा बोलते हैं वैसा कोई दिक्कत नहीं। माननीय सदस्य ने राज्य के बजट में TSP और SC/SP की जनसंख्या के अनुपात में प्रोविजन नहीं होने का उल्लेख किया गया। आपकी बात को लेकर के ही कई प्रतिपक्ष के हमारे साथी इस बात के लिए बोले कि जनसंख्या के आधार पर जो है वो प्रोविजन नहीं करते आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा आपने फरमाया कि टोटल बजट जो 3,55,000 का है उसका 1/3 है, ये 1/3 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये स्कीम बजट जो है वो है
69,655 करोड़ 55 लाख का। जनसंख्या बैठती है अनुसूचित जाति की 17.87% नहीं सॉरी 83% 17.83%। यहाँ जो आवंटन किया जा रहा है वो 17.87% किया जा रहा है, 4% बढ़ा करके किया जा रहा है उनकी जनसंख्या के अनुसार, और ये बैठता है कुल मिलाकर के 30,322 करोड़ 16 लाख अनुसूचित जाति के लिए। ये आप आपकी बात को लेकर के ही यहाँ पर कोई कई सदस्य इसी बात के लिए बोल रहे थे कि जनसंख्या के आधार जनसंख्या, उन सब की बात का जवाब आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि जनसंख्या बैठती है 17.83 और अलॉटमेंट किया जा रहा है 17.87 पर 30,322 करोड़ 16 लाख। इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति को ले लो आप, अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन बैठती है 13.48% और किया क्या जा रहा है 14% जनसंख्या के आधार से भी ज्यादा ज्यादा है। बजट है ये तो 22-23 का ही तो है, 22-23 का है भाई। अरे ये 22-23 का इसमें 25,143,60,00,000 रुपये दिया जा रहा है हमसे। मतलब आवंटन जो हो रहा है वो जनसंख्या अनुपात से भी ज्यादा हो रहा है। नहीं सुनना आपको, आप बैठो मान सदेश, ये गप्पे आ गए तो आप जाओ बाहर जगह, आप क्यों बैठे हो यहाँ पर। माननीय मंत्री जी एक मिनट माफ करें, ये बजट मैं फिर एक मिनट माननीय मंत्री जी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो टोटल आउटले है उस पॉपुलेशन का फिगर माननीय मंत्री जी ने बताया, ये बिल का पार्ट नहीं है। मैं फिर आप बार बार कह रहा हूँ, बिल का पार्ट सिंपल है, ये एलोकेशन तो सरकार कर रही है, ये 500 करोड़ रुपए जो है उनमें इसके अलावा जो स्कीम बनानी है उसके संबंध में ये बिल है। हम कहाँ जाकर डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो बताया वो फिगर हुआ है, टोटल आउटले में जितनी स्टेट की पॉपुलेशन है SC ST उससे ज़्यादा का एलोकेशन किया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो टू दी पॉइंट आए और बात खत्म करें। जहाँ तक जहाँ तक 500 करोड़ का सवाल है, माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री क्या इन्होंने लिखा है कि वार्षिक बजट का अनुपात होगा राज्य जनजातियों की जनसंख्या अनुपात में। प्रोवाइडेड आप पढ़े यार, आधा पढ़ रहे हो, ये बिल पढ़ लें इसमें, तीन बार पढ़ लें इसमें। SC ST की जितनी पॉपुलेशन है टोटल आउटले जो प्लान का है उसमें उतने पॉपुलेशन का डेलोकेशन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा कर रही है, ये फिगर मंत्री जी ने दिए। ये बिल इस संबंध में नहीं है, ये बिल तो सिंपल है, ये तो होता होगा ही, इसमें कोई सरकार कट नहीं कर रही है, राजस्थान सरकार उससे ज़्यादा दे रही है। ये जो 500 करोड़ रुपये जो दिए हैं इनसे अलावा एनुअल स्कीम बनाकर किस में खर्च करना है उसके डिवोल्यूशन के लिए बिल है। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करूंगा उसी पर चर्चा करें खत्म करें। नहीं 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है जिसकी घोषणा मंत्री जी, 500 करोड़ रुपए का जो मंत्री जी, एक मिनट मतलब ये है कि आपका जो पूंजीगत खाते में जो विकास का पैसा खर्च होगा उससे संबंध है, और जिसके लिए आप बता रहे हो कि सारा मिलाकर के राजस्थान में 1,00,000 करोड़ के लगभग इस पर खर्च होगा, उसके हिसाब से परसेंटेज। अभी तक जो अपना आपने जो बिल अभी 22-23 का जो बजट रखा उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हेड में ये अमाउंट नहीं है, क्या ये अमाउंट इसके बाद जोड़ोगे क्या? ये क्या कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री मैं आप जवाब मैं बता इंटरव्यू करूँ, ये बिल लिमिटेड बिल है, प्लीज़ इस बिल में यह है कि राजस्थान सरकार ने एक फंड क्रिएट किया है जिस खंड में 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। ये 500 करोड़ रुपए राजस्थान की जो स्कीम है प्लान जो बजट है जिस बजट में SC ST की पॉपुलेशन है उनका तो एलोकेशन है ही है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसमें तो ज़्यादा दे रहे हैं वो। ये 500 करोड़ रुपए जो अबव हैं उस 500 करोड़ रुपए को डिवोल्व कैसे करेंगे इसके संबंध में ये बिल लाया गया, उसकी कमेटी बनाई जाएगी, ये इसका पर्पज है। इसे मान समझता हूँ माननीय मंत्री जी, ब्रीफ करके आप इसी पर लाइन पर आ जाएँ साहब। मैं तो नहीं, एक सवाल ये तो आप ज़्यादा जानते बैठे हैं आप प्लीज अब मैं पढ़ के आया हूँ मैं नहीं अब आप पढ़े बैठे फिर आराम से फिर आप मैं उठा लेना प्रश्न जहाँ मैं लिख के मैं गलत कह रहा हूँ जो मैं निवेदन कर रहा
मैं सुन लिया, मैंने मंत्री बात सुने आप। जहाँ तक 500 करोड़ रुपए का सवाल है वो तो बजट में अनाउंस कर चुके, और 500 करोड़ का उन्होंने ये भी दे दिया कि 200 करोड़ रुपए तो रोजानमुखी एवं कृषि के है, और 150 करोड़ रुपया शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है, और 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना और जन सहभागिता से कराए गए जो कामों के लिए रखा जाना प्रस्तावित है। ये 500 करोड़ का तो हिसाब ये है। और सवाल जहां आपने कहा कि साहब बजट हेड क्या है, बगैर बजट हेड के बगैर कुछ होता है क्या? बजट हेड ये रहा 70, बजट हेड है आपका SC SP का है 789 और TSP का है 796। बताओ अब आप, और क्या पूछना है आपको? बता दो मेरे को, चलो अपने मैं आपके चैंबर में आऊंगा, मुझे माननीय मंत्री फिर डिटेल में जा रहे हैं, टोटल एलोकेट बता दिया, डिटेल में जाएंगे तो डिमांड में चले जाओगे आप। सवाल आप मोटी बात करें ना प्लीज, ये बिल इसमें नहीं है, प्लीज डोंट बट दिस सब नहीं, आप चैंबर जाएगा वैसे आपके चैंबर में आ जाएंगे, ये बिल इसमें है नहीं है, टोटल आप इसको, सीधी बात है माननीय मंत्री जी, आप इसको प्रस्ताव करें कि जनमत रिजेक्ट किया जाए। अंतरियो कटारिया साहब की बात का जवाब दे दीजिए। कटारिया साहब ने कहा कि साहब शेड्यूल 5 और प्रस्तावित एक्ट में कोई विरोधाभास नहीं है। आपका प्रस्तावित एक्ट धारा 4 के सब क्लोज 3 में ये प्रावधान है कि SC ST के बेनिफिट के लिए इस तरह की योजनाएं प्रिफेयर किया जाएगा, जिनसे कि डेवलपमेंट इंडिकेटर जो कि गैप है वो पूरा हो सके और ST ST के डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में मिल सके। सवाल ये आता है कि आपने ये कहा कि साहब ये कर दोगे क्या, कैसे हो जाएगा? 2016 और 2017 में आपकी सरकार थी, कुल मिलाकर के जो प्रोविजन आपने रखा था बजट में उसका सिर्फ 70 TSP पर सिर्फ 72.85% खर्च किया आपने, 72.85% TSP का, और SC ST पर जो खर्च किया आपने सिर्फ 76.63%। ये गलत नहीं है साहब फिगर मेरी, आपकी उसमें सुन ली मैंने। और 2020-21 में हम आ गए, हमने जो प्रोविजन किया TSP पर उसका 90.70% जो है वो खर्च हुआ है, 77%। आई विल नॉट माय लेग प्लीज, क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई तकलीफ है अपने को? मैं किसी डॉक्टर, कोई नया डॉक्टर ढूंढ के लाऊं क्या? अजीब रोज में प्रॉब्लम है मां, प्लीज गलत बात है, सीनियर मेंबर हो क्या बिहेव करते? मैं रिपीट कर दूं, प्रोविजन जो रखा गया था TSP पर उसका 90.7% खर्च किया गया, और SC ST पर जो खर्च किया गया वो 89.74% खर्च किया गया। इसी तरीके से 21-22 में ले ले आप, 21-22 के प्रोविजन जो है, खैर वो तो अभी 31 मार्च आएगा जब भी जाकर के पूरे हो पाएंगे, और अगले वर्ष जो है रखा गया, इस वर्ष जो रखा गया वो 25,000, जैसा मैंने बताया आपको कि TSP के लिए 25,143,60,000 और SC ST के प्रावधान के लिए 30,322 करोड़ रुपये 16,000 रुपये 16,000 खर्च किए गए। इनके बाद 2021 में भी देख लें आप, 2021 में 18,000 का प्रोविजन किया गया है। जी तो हो गया ये सब बात, ये तो लंबी चौड़ी बात है साहब। कुल मिला करके जो इनका इशू था वो ये था कि आप कितना दे रहे हो, जनसंख्या के आधार पर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो जनसंख्या के आधार से भी ज़्यादा दे रहे हैं। सबका जवाब आ गया आपका। मेरा निवेदन ये है अब इसमें कि देखिए, आपने जैसा फरमाया कि साहब चीफ मिनिस्टर के अंडर में आपने एक कमेटी बना रहे हो, आप एम्पावर्ड कमेटी बना रहे हो चीफ सेक्रेटरी के अंडर में, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की अलग कमेटी बना रही हो, और फिर तालुका की अलग बना जाए। मुझे ध्यान नहीं है कि तालुका की होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के अंडर में जो कमेटी बनने जा रही है, चीफ नहीं, इसके साथ एक कागज और था, एक और था, स्टेट काउंसिल जो बनने जा रही है वो इसी स्टेट में नहीं बन रही है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कई जगह
कई जगह ऐसी ये कि सेम कमेटी बनी हुई है, और वो जो एम्पावर्ड कमेटी बनी हुई है वो भी सीएस के अंडर में कई कई स्टेट में बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी भी कई जगह बनी हुई है। निश्चित तौर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो, ये सुझाव जो आपका था, सुझाव ठीक है, उस सुझाव के अनुसार ही जो है मोटे तौर पर जो है ये सब इनकॉर्पोरेट किया गया है। मान्य मंत्री जी बैठ हो गया, आप बैठो, अंतर क्या, पाँच बज गया, अपन वो बोल रहा है, वो बोलते जा रहे हैं, अपन सीनियर मेंबर इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। माननीय मंत्री जी, आप हो गया वाइंड अप, आप देखें प्रश्न ये है कि राजस्थान राज्य